ये सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन पर बंगाल में बवाल की नई तस्वीर है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट में पड़ने वाले भूपति नगर की हैं। एनआईए की टीम 2022 के बम ब्लास्ट केस में छापेमारी के लिए पहुंची थी। रडार पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक थे, लेकिन इससे पहले एनआईए की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर भूपति नगर से रवाना होती, लाठी डंडे लेकर महिलाएं रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने एनआईए की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे एनआईए की गाड़ी के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि हमले में एनआईए के एक अफसर को चोट आई है। ईडी के बाद अभी एनआईए पश्चिम बंगाल में सर्च कंडक्ट करने के लिए एनआईए जब भूपति नगर पूर्व मेदिनीपुर पे गए थे तो उस टाइम उन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। और जो देखने में आया है कि उन लोगों का जो गाड़ी है, गाड़ी का सामने तोड़फोड़ हुआ है। और जो जानकारी मिल रहा है, भूपति नगर में एक ब्लास्ट के खबर था, वो एक ब्लास्ट के घटना में 3 आदमी का मौत हुआ था और उस केस में ही वो सर्च करने के लिए एनआईए का टीम वहाँ पर गए थे। और एनआईए का टीम अभी जो जानने में आया है तो भूपति नगर में एफआईआर भी किया। अब देखने में है पुलिस क्या एक्शन लेते हैं। और इस मामले में एनआईए का जो कोलकाता ब्रांच है वो दिल्ली में भी रिपोर्ट भेज दे रहा है। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है। 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर के एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी केस में पिछले महीने एनआईए ने टीएमसी से जुड़े 8 नेताओं को समन भेजकर न्यू टाउन ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब हाई कोर्ट के निर्देश पर छापेमारी कर एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम को निशाना बनाया। 2022 के एक मामले में एनआईए ने 2 टीएमसी लीडर को अरेस्ट किया है। अभी हम देख सकते हैं कि टीएमसी लीडर 2 है, एक है बलाईचरण माइती और दूसरा है मनोव्रत जाना। दोजन को ही अभी मेडिकल चेकअप करके कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। और ये दोनों के विरुद्ध बहुत सारा एविडेंस अभी तक कलेक्ट किए हैं एनआईए, ऐसा ही जानकारी मिल रहा है। इस मामले में अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेतृत्व के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो टीएमसी आरोप लगा रही है कि मेदिनीपुर ईस्ट में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। वहाँ संविधान को नहीं माना जाता है, वहाँ सीबीआई ईडी को भी नहीं माना जाता है। और लगातार जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर निर्मित होता है, हो रहा है, वो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। ईडी पे लोगों पे आक्रमण होता है, पुलिस के बाहर से जाती है, पुलिस उस पर आक्रमण होता है। जिस प्रकार हालात और वातावरण वहाँ पे बनाया जा रहा है वो लाइक अंग्रेजों का जमाना दिखाई देता है, जिस समय हमको दबाया जाता था, ऐसे वहाँ पर भी दबाने का काम कर रहा है। ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई ईडी एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के एक ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया। मतलब संदेश खाली केस की तरह ये मामला भी अब सियासत केंद्र में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच एनआईए के एक्शन और एनआईए टीम हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है।